રાજ્યમાં નવરાત્રીમાં વરસાદની શક્યતા નથી. ખેલૈયાઓ માટે હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. આગામી 5 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે. કચ્છથી નવસારી સુધી ચોમાસાની વિદાય થઈ 2 દિવસ બાદ તાપમાનમાં વધારો થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરાઈ છે. વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં છૂટો છવાયો વરસાદ રહી શકે છે. आगे आने वाले दिनों की हम बात करें तो गुजरात में जो है रेन जो है बहुत निम्न स्तर पर रहेगी. साथ ही हम बात करें आज जो है रिजर्व लाइन को एक्सटेंड किया गया है, जिसमें नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ जो है नॉर्थ एलिजेंसी है उसको भी इंक्लूड किया गया है, विड्रॉ किया गया है वेदर वहाँ से. एंड नवसारी, साउथ गुजरात का जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो है विड्रॉ लाइन ड्रॉ की गई है. अप टू नवसारी जो है मानसून को विड्रॉ कर लिया गया है और साउथ गुजरात का एक्सट्रीम हिस्सा जो है एक दो डिस्ट्रिक्ट बचे हुए जो आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर उनको भी जो है फेवरेबल कंडीशंस अभी बनी हुई हैं, उसके तौर पे जो है उनको भी विड्रॉ कर लिया जाएगा अगर सिस्टम परसिस्ट करता है. पिछले 48 घंटों में जो है गुजरात के किसी भी हिस्से में जो है बारिश देखने को हमें नहीं मिली है. साथ ही साथ अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान अभी अपने नो लार्ज चेंज में बना हुआ है, जिसमें अहमदाबाद में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 34.4 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर में 33.8 डिग्री सेल्सियस तथा जो है अगले आने वाले 24 घंटों के लिए अहमदाबाद में 35 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है. और पूरे गुजरात में तापमान जो है 2 दिनों बाद जो है 2 से 3 डिग्री जो है बढ़त देखने को मिलेगी. ग्रेजुअल राइज रहेगा तापमान. अभी जो क्लाउडिंग है वो क्लाउडिंग रहेगा, मिड लेवल क्लाउड्स हैं, बट इससे जो है रेनफॉल होने की संभावना न के बराबर है क्योंकि एंटीसाइक्लोनिक विंड्स जो है नॉर्दर्ली विंड्स जो है अभी परसिस्ट कर रही है पूरे गुजरात में और वो आगे भी कंटिन्यू करेंगी, जिससे वेदर गुजरात में बहुत